योगी वो देखो बाबा, वो बाबा है, दिन का बाबा रात का धाबा है। बीजेपी में ना नहीं हो पाएगा, कांग्रेस में होता ना कब का बंद हो चुका होता जेल के अंदर। कड़ी सुरक्षा के बीच तो ये अतीक भी जा रहे थे, वो एकदम मीडिया लगी थी, एकदम सब पुलिसकर्मी थे तैनात, ये खड़े पुलिस वाले ऐसे सब पीछे से ढंग ढंग, ये कैसे हो गया? क्या लगता है आपको, जो पहलवानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है, वाकई लगता है इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा? ब्रजभूषण सिंह इस्तीफा देंगे? सब पर पड़ेगा, पड़ेगा सब पर पड़ेगा, सब पर दुनिया पड़ेगा। कैसे पड़ेगा, क्योंकि वो तो बोल रहे हैं कि देखिए मेरे को 6-6 बार सांसद बनाया, जिता के बनाया, मुझे ही नहीं मेरी पत्नी को भी जिताया। वो ये कह रहा है मतलब चुना हुआ है, फिर इस्तीफा देने के लिए तैयार क्यों हो रहा है? चुना हुआ है, इस्तीफा क्यों दे रहा है? नहीं, वो तो कह रहे जब तक अपराध सिद्ध नहीं होगा मैं तब तक इस्तीफा नहीं दूंगा। कह रहा है धरना खत्म करो, इस्तीफा दूंगा बोल रहे हो। उन्होंने बोला है कि जब तक अपराध सिद्ध नहीं होगा, जब तक अपराध उन पर बोल नहीं जाता। बोला उन्होंने ऐसे बोला धरना खत्म करो मैं इस्तीफा दूंगा, क्यों दे रहा है? सुना और आदमी है, क्यों दे रहा है? होएगा मैडम, सब होएगा सर। बीजेपी में ना नहीं हो पाएगा, कांग्रेस में होता ना कब का बंद हो चुका होता जेल के अंदर, जेल में कब का बंद हो चुका होता। अपनी पार्टी के नेता इसलिए बच रहे हैं और क्या है? बीजेपी बोलती है कि हमारे सब संत साधु हैं, सब बढ़िया आदमी, सब बढ़िया आदमी, और उसमें सबसे ज्यादा इसी पार्टी में गुंडा मवाली सब भरे हैं। योगी वो देखो बाबा, वो बाबा है, दिन का बाबा रात का धाबा है, रात में बाबा बनता है रात को धाबा कर देता है। मोदी जी अगर पसंद नहीं था जनता को तो उनको तो दूसरी बार भी जिताया। नहीं नहीं नहीं, जिताया नहीं गया, वो मशीने ये भी हम ये सब लूट कर ली, देश को लूट के बेच के सब भगा दिए विदेश। चुनाव आयोग तो निष्पक्ष संस्था है, उस पर भी विश्वास नहीं है? नहीं नहीं, वो सब मोदी के हाथ में है, मोदी का पूरी कंट्रोल मोदी के हाथ में है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि सब कुछ मोदी जी ही कंट्रोल करे? जनता का विश्वास प्यार है तभी तो जीत रहे हैं। मैम ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, मोदी ने सब कुछ अपने हाथ में कर लिया, सब कुछ अपने हाथ में कर लिया। अब जनता जो है, जनता मोदी को जब ये हो रहा है ना, अब इसी में मोदी को पटक देगी जनता। क्या मतलब आप कुछ बोलना चाह रहे हैं कि 2024 पर भी इसका असर पड़ेगा क्या? 24 मोदी तो यहाँ दिखेंगे नहीं। हाँ। वो कहते हैं हम झोरा उठा के चल देंगे, थैला लेके भाग जाएंगे, देखो कहाँ भागते हैं, इनका पता नहीं चलेगा। कई मोदी नाम के भाग गए हैं। हाँ। हाँ, और ये भी भागेंगे, थैला उठा के चले जाएंगे। पार्टी वाले लोग तो कह रहे हैं कि देखिए 2024 के अंदर फिर से जीतेंगे, फिर से वापसी करेंगे। उनके कहने से क्या होता आप ये बताओ, उनके कहने से क्या होता? वो तो कुछ भी क्या कह रहे हैं, ईवीएम जिताएगी जनता नहीं जिताएगी, इनको ईवीएम जिताएगी, ईवीएम ही जिताती है जनता नहीं जिताती। लेकिन ये सब चीजों देखिए, कड़ी सुरक्षा के बीच में अगर चुनाव हो रहे हैं तो कड़ी सुरक्षा के बीच में होते हैं। पहले भी चुनाव पुलिस वाले करवाते हैं, चुनाव डीएम सीएम वो डीएम एसपी करवाते हैं, चुनाव वैसे करवा सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे, जो भी आतंकी या जो भी गुंडा जो भी है, जिसके जो गलत है उसके साथ कार्रवाई होनी चाहिए। कड़ी सुरक्षा के बीच तो ये अतीक भी जा रहे थे, फिर कैसे दाएं कर दिया गया? ये भी तो जा रहे थे कड़ी सुरक्षा के बीच, एकदम मीडिया लगी थी, एकदम सब पुलिसकर्मी थे तैनात, ये खड़े पुलिस वाले ऐसे सब, और पीछे से ढंग ढंग, ये कैसे हो गया? अच्छा, जितने भी ठग होते हैं मैडम, जितने भी जो पैसे लेके भगते हैं, उनके संबंध विशेष पार्टी के साथ क्यों मिलते हैं? एक विशेष पार्टी के साथ ही क्यों मिलते हैं? अभी कल परसों एक ठग निकला है जो पब्लिक की काड़ी कमाई को लेकर भगा है। पहले भी जितने भगे तो एक पार्टी विशेष के साथ ही उनके संबंध क्यों मिलते हैं? एक चीज और ये समझ नहीं आ रही, क्या उनको संरक्षण नहीं है? अमित शाह सत्ता की कुछ भी नहीं है। बीजेपी का कितना 30% वोट वो मिलता है, ये विपक्ष में बिखर जाता है वोट, कुछ बेईमानी करते हैं इस वजह से ये जीत जाते हैं। अब के हो सकता है 24 में एक आदमी के सामने एक कैंडिडेट उतरेगा तो ये हो सकता है इनका सफाया हो जाए। तो मतलब आप कह रहे हैं विपक्षी पार्टियों का जो ये फॉर्मूला है वन सीट वन कैंडिडेट वाला, ये सफल हो पाएगा? होगा, पक्का होगा मैडम। परेशान है दुनिया, ये कह रहे, देखे ये जो सब विरोध हो रहा है सारा विपक्षियों का रचा रचाया ड्रामा है, विपक्षी ये विरोध प्रदर्शन करा रहे, एक एक परिवार के लोग आ जाते हैं और एक ही राज्य के लोगों को तकलीफ। ये जो बहने हैं ये कहाँ की हैं? हम यूपी से क्यों आए? हम किसी पार्टी के नहीं है, किसी की पार्टी की नहीं, हम किसी पार्टी की नहीं है, सिर्फ हम इनकी वजह से आए हैं। ये गेम स्पोर्टमैन अगर कोई भी है हम उसके साथ रहेंगे, और कलाकार अगर जो भी है उसके साथ, अगर कलाकार अगर वो राजनीति में चला गया उसके खिलाफ हो जाएंगे। कलाकार को कभी राजनीति में नहीं जाना चाहिए। क्या लगता है कि ये जो यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन है इस्तीफे के बाद ही खत्म होगा, क्या ब्रजभूषण अपना इस्तीफा देंगे? मैम जब तक ये ब्रजभूषण को जेल में नहीं डालेंगे ये हम लोग रुकने वाले नहीं है। आंधी तूफान कुछ भी आए यहीं पड़े रहेंगे, भूखे प्यासे रहेंगे, लेकिन जब तक ये मोदी जी ब्रजभूषण को जेल नहीं डालेंगे तब तक नहीं हटने वाले यहाँ से। हाँ, क्या कहेंगे आप? जेल जाना चाहिए और इस पे बुलडोजर चलना चाहिए इसके घर। किसके घर पे? ब्रजभूषण के। हाँ जी, हाँ जी। क्यों, वो तो अपने आप को पाक साफ नेता बताते हैं। पाक साफ इसके कहने से ये सारी पगली पागल है, ये बताओ ये यहाँ पर पड़ी है? विपक्षियों की साजिश, कांग्रेस नहीं है, ये बीजेपी वाले सारे गुंडे हैं बीजेपी में।
बीजेपी में, हाँ बीजेपी में आ जाए वो तो ले दूध के वैसे वो है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ऐसे ही न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज एक्सप्रेस 24। मैं आप लोगों के साथ शालिनी पांडे।